हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास बीएससी थर्ड ईयर का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री से हमारा टॉपिक है। कम से कम मैं आपको बता दूँ, 15+ मार्क्स का ये यूनिट है आपका। फोटो केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम पहले वो यूनिट ले रहे हैं जो काफ़ी आसानी से हो सकती हैं, काफ़ी जल्दी तैयार हो सकती हैं। पहले उन यूनिटों को बैकअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ और यूनिट्स पे जाएंगे, ठीक है। फोटो केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा वो मैं सारा बारी बारी से आपको पढ़ाऊंगा, और आप वही उसी तरीके से सारे क्वेश्चंस अपने तैयार कर लीजिएगा। आप अपना एग्ज़ाम काफ़ी परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं, काफ़ी परफेक्ट तरीके से अपने एग्ज़ाम्स लिख सकते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूँ, और मैं पहले भी बोलता रहता हूँ कि अगर और आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है, क्योंकि यहाँ यूपी बोर्ड से भी स्टूडेंट है मेरे प्लेटफॉर्म पर और सीबीएसई बोर्ड से भी स्टूडेंट है, तो आप अपनी कंटेंट यहाँ से प्रिपेयर कर लें। आप समझ लें उन चीज़ों को कि क्या है टॉपिक, लेकिन आप राइटिंग करने का वर्क आप अपने खुद से भी कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो हिंदी मीडियम्स में कर लें, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम में कर लें। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ज़रूर करें, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पर ज़रूर फोकस करें कि लास्ट 3 ईयर्स में जो भी यूनिट चल रही है या जो भी यूनिट पर काम किया जा रहा है उसमें क्या पोर्शंस आया और कितना पोर्शंस आ चुका है, ठीक है। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री समझने से पहले हमें थोड़े से कुछ बेसिक्स टूल्स आने चाहिए, कुछ बेसिक्स फंडामेंटल आने चाहिए। हम कुछ बेसिक फाउंडेशन तैयार करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आइए फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, फोटोकेमिस्ट्री को चलाने के लिए या फोटोकेमिस्ट्री को समझने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे ज़्यादा थर्ड ईयर में ही पढ़ी जाती है, ऑर्गेनिक में भी आपको पढ़ना है, एनएमआर पढ़ना है आपको, फिजिकल केमिस्ट्री में तो लगभग सारे पढ़ने हैं। रमन स्पेक्ट्रो पढ़ना है आपको, आईआर स्पेक्ट्रा पढ़ना है आपको, रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ना है आपको, यूवी विजुअल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है। मतलब स्पेक्ट्रो तो भर रहा है, मतलब आप ये समझ लीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, काफ़ी स्टूडेंटों को स्पेक्ट्रो थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी पढ़ा नहीं है। स्पेक्ट्रो उनका काफ़ी दूर रहता है उनके हिसाब से। तो फाइनली मैं आपसे ये कहूँगा कि उतना ही तो पढ़ लें भाई जितनी की हमें पहले आवश्यकता है, ठीक है। और आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो और भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आइए मैं ज़रा पहले एक पिक्चर क्लियर कर देता हूँ, जरा 2 मिनट सुनिएगा कि फोटो केमिस्ट्री में पढ़ क्या रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ केमिस्ट्री के रिएक्शन ही स्टडी करेंगे। सबको पता है केमिस्ट्री के जो रिएक्शन होते हैं उनमें एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं भाई, केमिस्ट्री में होता ही है। कुछ बॉन्ड बनते हैं, कुछ बॉन्ड नए बॉन्ड बनते हैं, कुछ नए बॉन्ड टूटते हैं। बॉन्ड का बनना टूटना ही केमिस्ट्री रिएक्शंस के पार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग लाइट की प्रेजेंटेशन में अपने रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, ओनली लाइट की प्रेजेंटेशन में, ठीक है। अब लाइट के सोर्सेज तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं फिर बोल देता हूँ, केवल हम लाइट की प्रेजेंटेशन में रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, और इसी को हम लोग कह रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। स्टडी जिस रिएक्शंस की जा रही है वो केवल लाइट की प्रेजेंटेशन में होगी, विदाउट लाइट कोई भी रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, वो हमारी फोटोकेमिस्ट्री के पार्ट ही नहीं होंगे, ठीक है। आइए जरा इस लाइट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये लाइट का कॉन्सेप्ट है क्या। कभी आप अपने रूम में बैठे हैं, मान लीजिए आप किसी रूम में बैठे हुए हैं और उस रूम के अंदर आपने एक ट्यूब लाइट जलाया, आपने कभी सोचा उस वहाँ से एक लाइट रेडिएट होती है और हमारी बॉडी पर एब्जॉर्ब्ड होती है। आपने देखा होगा, फील किया होगा। आप सन के पास चले जाइए, सन 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 तो गजब है भाई, सन के पास तो आप देख रहे हैं कितना सारा रेडिएशन होता है। आप अपनी बॉडी पर एब्जॉर्ब्ड करते हैं रेडिएशन, ठीक है। वो जो रेडिएशंस होता है मेरे बच्चों, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो सन से जो आपको लाइट मिलती है, मैं सन एक बड़े सोर्स पे जा रहा हूँ कि आपको जो सन से लाइट मिलती है, ठीक है, आपको जो सन से लाइट मिलती है वो अलग 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 डिफरेंट रेंज के बेसिस पर, अलग अलग डिफरेंट एनर्जी के बेसिस पर ट्रेवल करती हुई आती है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। और इन्हीं को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए आपको बड़ी आसानी से लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं आप। सन की लाइट जो आ रही है सन से, वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं।
आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आते हैं, ये अलग अलग रेंज के हिसाब से आते हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप के हिसाब से आते हैं। आपको मैं बता दूं, ये ईएमआर क्या है, आपके फोटोन है। ईएमआर क्या है, आपके फोटोन है। लाइट का जो सोर्स है वो फोटोन है। आप फोटोन्स की फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं सन से, और आपसे कहा गया था, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, प्लैंक क्वांटम रेडिएशंस पढ़ा होगा, कि ये जो लाइट आती है ये फोटॉन्स की फॉर्म में आती है, पैकेट्स और बंडल्स की फॉर्म में बनकर आती है, और ईच पैकेट को हम वन फोटॉन्स कहते हैं, ईच बंडल को हम वन फोटॉन्स कहते हैं, या ईच क्वांटा को हम, या क्वांटम्स को हम फोटॉन्स कहते हैं। तो फोटॉन्स आते हैं, इन्हीं को हम लोग ईएमआर कहते हैं, ठीक है। तो जो ईएमआर आते हैं, सबके अलग अलग वेवलेंथ्स होते हैं, सबके अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से आते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपकी ईएमआर ट्रेवल करती हुई आती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपकी जो ईएमआर होती है, जो आपकी लाइट होती है, वो कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर कर आती है। इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ट्रफ कहते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड टफ, डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड टफ, दिस इज द लैम्डा, दिस इज द वेवलेंथ, ठीक है। आपके पास एक रिलेशन हुआ करता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। हमारे पास एक रिलेशन हुआ करता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, कि जो जो सन से ईएमआर रेडिएट होकर आ रहे हैं, अगर आपको उसकी फ्रीक्वेंसी पता है, तो आप उसकी बहुत आसानी से वेवलेंथ पता कर लेंगे, और ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। मैं क्लियर कर दूँ, अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे पेपर रहेगा तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, बड़ी चीज़ तो नहीं आती है, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, कि अगर ईएमआर जो आपके ट्रेवल कर कर आ रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको बता दी जाए, तो आप वेवलेंथ का पता कर लेंगे, और वेवलेंथ अगर बता दिया जाए इस ईएमआर का, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी पता कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे छोटी 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 डेफिनेशंस तो नहीं आती, तो मैं केवल फॉर्मूला बेस्ड ही बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हुआ करता है, आपने 9th 10th स्टैंडर्ड में से कभी देखा होगा फिजिक्स के अंदर। चलिए, फिर एक और रिलेशंस हमारा वो करता है, ठीक है, टाइम पीरियड, मतलब जो ईएमआर आपके आ रहे हैं या जिस मटेरियल पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी ईएमआर या कोई भी लाइट का सोर्स या कोई भी फोटॉन्स जिस मटेरियल पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, अगर आपको उनकी फ्रीक्वेंसी पता है, तो आप उनकी वेवलेंथ पता कर सकते हैं, राइट। अगर वेवलेंथ पता है, तो आप उनकी फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं, ओके। और टाइम पीरियड पता करना है, तो टाइम पीरियड हुआ करता है आपका टी इज इक्वल्स टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी पता है, तो हम टाइम पीरियड पता कर सकते हैं कि मेटेरियल पर कितने समय में ईएमआर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। एक और रिलेशन हुआ करता है वेव नंबर, ठीक है, दिस इज वेव नंबर, और वेव नंबर आपको हुआ करता है वन अपॉन लैम्डा, ठीक है। वेव नंबर हुआ करता है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, लाइक वेव बार इज इक्वल्स टू वन अपॉन लैम्डा। और अगर आपको इस ईएमआर का एनर्जी पता करना है, तो एनर्जी हुआ करता है ई इक्वल्स टू एच बी, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स भी कहते हैं इसे हम लोग, इसे हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन भी कहते हैं मेरे बच्चों, और एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इसके बराबर होता है ई इक्वल्स टू एच बी, ठीक है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी मालूम पड़ जाए ईएमआर का, जो सन से ईएमआर आ रहा है, तो आप उसका एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पता कर सकते हैं, वेव नंबर्स पता कर सकते हैं, टाइम पीरियड पता कर सकते हैं, और आप उसका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। इसी रिलेशंस को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, वी सी अपॉन लैम्डा, ओके, वेयर वी क्या होता है, हमारा सी अपॉन लैम्डा हुआ करता है, तो मैं उसे लिख सकता हूं एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। यहां पे सी तो हमारा हुआ करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ये, और एच हमारा हुआ करता है प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। हालांकि वैल्यू दी जाएगी जब भी न्यूमेरिकल्स डिजाइन होंगे, ठीक है। अर्घ में भी वैल्यू लगा सकते हैं हम, इसकी 31 होगी, वो भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जूल सेकंड में बात करिए, क्योंकि हम एनर्जी के टर्म्स को स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद ये सब बेसिक्स कॉन्सेप्ट आ गए, ईएमआर को समझ रहे हैं हम लोग, ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर कोई कहता है भाई एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो आ रहे हैं मटेरियल पर मोल के हिसाब से चाहिए, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हमारे वो करते हैं एच वी एम नॉट, किसके बराबर होता है एच बी एन नॉट। अगर आपको एनर्जी ऑफ फोटोन पर मोल के हिसाब से चाहिए, तो एच बी एन नॉट, और वेयर एन नॉट, दिस इज द अवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10³ लगा दीजिएगा, और आपको जो एनर्जी मिलेगी वो पर मोल के हिसाब से मिल जाएगी, और आप इस रिलेशंस को यूज कर सकते हैं। हालांकि हम एक न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर, क्वांटम एफिशिएंसी का इसी चैप्टर के अंदर, वो आपका 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स हो सकता है। केवल यही सब, तो सब कुछ क्लियर लगभग हो गया है कि इस ईएमआर की फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो वेवलेंथ हम पता कर सकते हैं, वेवलेंथ आ जाए तो हम फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, वेव नंबर्स निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, राइट।
और एनर्जी ऑफ फोटोन पर मोल के हिसाब से भी निकाल सकते हो। ये लगभग सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। कुछ कन्वर्जन आने चाहिए, मींस वन एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो हुआ करती है 10^-10 मीटर के इक्वल होती है, या 1 एंगस्ट्रॉम हम लिख सकते हैं 10^-8 सेंटीमीटर, या 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, सॉरी 1 नैनोमीटर की वैल्यू हमारी हुआ करती है 10^-9 मीटर, और 1 पिकनोमीटर की वैल्यू हुआ करती है 10^-12 मीटर। तो प्लीज ये कन्वर्जन आपको आने चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिना इसके कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो प्लीज ये थोड़ा सा बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, हालांकि आप और भी स्पेक्ट्रो पढ़ेंगे तो वहाँ भी जरूरत पड़ेगी, हालांकि फोटोकेमिस्ट्री में मुझे इसकी आवश्यकता है, इसलिए मैंने सारे रिलेशंस लिखाए हैं। प्लीज आप इन्हें नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं आपसे। तो आइए, ये लगभग बेसिक सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। आइए अब मैं आपको जरा क्लियर कर दूं कि जो सन से आपके ईएमआर आते हैं वो अलग अलग रेंज में आते हैं, अलग अलग ट्रेवलिंग करके आते हैं, वेवलेंथ को लेकर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के आते हैं, ठीक है। मैं फिर क्लियर कर दूं, जो सन से आपकी लाइट आती है वो अलग अलग रेंज में आती है। तो हमने क्या कर रखा है कि भाई एक ग्रुप हमने बना रखा है भाई एक्स के लिए, एक ग्रुप बना रखा है हमने वाई के लिए, एक ग्रुप बना रखा है हमने, अब सीधी सीधी बात करता हूँ, एक आपने गामा रेज सुनी होगी, एक्सरे सुना होगा, माइक्रोवेव सुने होंगे, राइट, रेडियो वेव सुने होंगे आपने, आईआर स्पेक्ट्रा सुना होगा, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम सुना होगा, ये सब कुछ लगभग आपने सुना होगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो जो ईएमआर आते हैं उनके लिए, सबके लिए हमने अलग अलग रेंज बना रखी है। मान लो 4 ईएमआर आए, वो किसी एक पर्टिकुलर रेंज में आते हैं, मतलब वो एक्सरे की रेंज में आते हैं, तो हम उन्हीं को कहते हैं वो एक्सरे होंगे, वो जो रेज होंगी वो एक्सरे होंगी। अगर कुछ और हमारे पास ईएमआर आए और वो पर्टिकुलरली मतलब वो रेडियो वेव के नंबर्स के विटवेन आती है, तो हम उन्हें कहेंगे वो रेडियो वेव होंगी, है वो ईएमआर है, सबके सब ईएमआर है, वो जितने भी आ रहे हैं वो आपके सन से जो आ रहा है वो सबके सब ईएमआर है, सबके सब ईएमआर है, मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। आइए मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके डिजाइन करूंगा और आपके कुछ छोटी छोटी चीजों को भी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो सन से लाइट आती है वो अलग अलग वेवलेंथ की फॉर्म में आती है, मतलब कुछ बड़ी कुछ और बड़ी इस तरीके से, है ना, कुछ और बड़ी मतलब बहुत इस तरीके से आती है अलग अलग रेंज के हिसाब से। तो उस बेसिस पे हमारे पास जो ऑर्डर बना करता है, सबसे पहले आते हैं हमारे एक्सरे आया करते हैं, सबसे पहले एक्सरे, फिर हमारा हुआ करता है गामा रे, ठीक है, फिर हमारा हुआ करता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम आता है, और फिर हमारा आता है रेडिएशन जो होता है आईआर स्पेक्ट्रम आता है, और फिर हमारा जो आता है माइक्रोवेव, फिर हमारी आया करती है माइक्रोवेव, और सबसे लास्ट में हमारी आया करते हैं रेडियो वेव आया करते हैं। ये चीज क्लियर करना, ये स्पेक्ट्रो का लगभग इंट्रोडक्शन पार्ट है कि ईएमआर इनको शो करते हैं, इनके लिए अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं कि भाई मान लो इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 4 है, तो 2 नंबर वाली जितनी रेंज होंगी वो सब इसमें जाएंगी, ठीक है। मान लो इसका नंबर 4 है, 4 नंबर की जितनी रेंज आ रही है वो इस वाली ग्रुप में रखी जाएंगी। मान लो इसका इसका नंबर हमने 6 दे रखा है, तो 6 नंबर की रेंज में जितनी भी लाइट आएंगी ईएमआर आएंगी वो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम में रखी जाएंगी। तो इस तरीके से ये चीज बना रखी है, ठीक है। चलिए एक चीज क्लियर कर लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका थोड़ा सा डिजाइन हो सकता है, ठीक है। एनर्जी जो होती है, एनर्जी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है एक्सरे की, उससे कम होती है गामा रे की, फिर यूवी विजुअल की, फिर आईआर, फिर माइक्रोवेव और रेडियो वेव। मतलब कह सकते हैं कि रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम होगी ईएमआर की, फोटॉन्स की जो एनर्जी होगी रेडियो वेव की सबसे कम होगी, और एक्सरे की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और आप लोग जानते हैं भाई एनर्जी होता है हमारा h(c)λ, मींस एनर्जी बढ़ेगी, रेसिप्रोकल है, तो इसलिए वेवलेंथ आपकी छोटी हो जाएगी। तो जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है उसकी वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी। तो यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है कि रेडियो वेव की सर एनर्जी तो सबसे छोटी होगी, लेकिन वेवलेंथ रेडियो वेव की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। चलिए आइए मैं जरा कुछ और अच्छी अच्छी बातें आपको क्लियर करूं कि हम इनको यूज कैसे करते हैं, मतलब थोड़ा सा आइडिया बताऊं भाई हम इन्हें यूज कैसे करते हैं, इन सबका काम क्या है, है ना, ये सारे के सारे लाइट ईएमआर के काम क्या करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सरे हैं आपके और ये जो गामा रे हैं, ये लगभग एक ही कैटेगरी में आते हैं, लगभग दोनों की एनर्जी में थोड़ा बहुत ही कम गैप है,
ठीक है, इनका काम होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ना, किसी भी बॉन्ड को तोड़ना, इतनी एनर्जी रखते हैं कि ये किसी का भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं। समझ में आया? केवल इतना काम कर सकते हैं कि भाई ये किसी का भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं भाई एक्सरे थोड़ी सी खतरनाक होती है, गामा रे सब, ठीक है। चलिए फिर आता है आपका यूवी विजिबल, ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है वो आपके किसी ग्राउंड स्टेट से इतनी एनर्जी होती है, क्योंकि इनकी एनर्जी बीच में आती है, इतनी एनर्जी होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन करा सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में तो ले जा सकते हैं, और उसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। यूवी विजिबल केवल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कराते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, मतलब इतनी ही एनर्जी दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाते यूवी विजिबल। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम की जो रेंज हुआ करती है, अलग अलग राइटर है, अलग अलग बुक्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 8,000 एंगस्ट्रॉम से लेकर लगभग 2,000 एंगस्ट्रॉम के बिटवीन होती है, 380 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर के बिटवीन होती है। तो ये रेंज है आपकी यूवी विजिबल, और मैं यूवी विजिबल पे ही क्यों ज्यादा जोर कर रहा हूँ, क्योंकि इसी की प्रेजेंटेशन से मेरी फोटोन की सारी रिएक्शंस होंगी, फोटोकेमिस्ट्री में सारी रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है आपका केवल यूवी विजिबल लाइट। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है भाई फोटोकेमिस्ट्री के लिए कौन सा स्पेक्ट्रम हमारे लिए जरूरी है, एक्सरे, गामा रे, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियोवेव, नहीं, ओनली यूवी विजिबल। रेंज क्या होती है, नैनोमीटर में रेंज क्या होती है, केवल इतना काम करते हैं सर, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, उसके अलावा इन बेचारों की कोई औकात नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाते यार, समझ लीजिएगा प्लीज। ठीक, आइए आईआर की हालत तो और खराब है, आईआर की एनर्जी तो और कम है, आप देख लीजिएगा आईआर की एनर्जी तो यूवी विजिबल से कम है, ये बेचारे केवल अगर मान लो आपने आईआर दे दिया रेडिएशन किसी भी सब्सटेंस को, वो केवल इतना कर सकते हैं कि आपके आपके मॉलिक्यूल्स को केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, उसके अलावा उनकी और कोई औकात नहीं है, या वो कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कर सकते हैं, और वाइब्रेट करते हैं तो वो आईआर की रेंज में चले जाते हैं, अगर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कराना तो आईआर, और अगर किसी मॉलिक्यूल को रोटेट कराना है, रोटेट कराना, और रोटेशन के लिए हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोवेव। हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोवेव यूज करते हैं, आई मेरी बात समझ में, और सबसे लास्ट में आती है मेरी रेडियो वेव आती है, और इतनी कम एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी कम होती है, ये क्वेश्चंस आपको मिल सकता है ऑब्जेक्टिव में। एनएमआर स्पेक्ट्रम आप पढ़ेंगे, ईएसआर स्पेक्ट्रम आप पढ़ेंगे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, आप एनएमआर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, वो ये किसी भी एटम के न्यूक्लियाई के इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज कर सकते हैं, इतनी एनर्जी होती है कि किसी भी न्यूक्लियाई के इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज कर सकते हैं, मीन्स क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, बस इतना कर सकते हैं। तो आप प्लीज, ये स्पेक्ट्रो का एक इंट्रोडक्शनरी पार्ट है जो फोटोकेमिस्ट्री में इन्वॉल्व है, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि देखिए जो जितनी भी लाइट है वो सब ईएमआर है, सबके अलग अलग ग्रुप होते हैं, उस ग्रुप में जो जाता है उसी हिसाब से उनकी कैटेगरी क्लासिफाइड हो जाती है कि वो एक्सरे होंगी, गामा रे होंगी, यूवी विजिबल होगा, आईआर होगा, माइक्रोवेव होंगी, रेडियो वेव होंगी, राइट। और ये क्या काम करती है सर, एक्सरे गामा तो एक ही सिस्टम पे काम करती है, लगभग वो बॉन्ड को तोड़ देती है, इतनी एनर्जी होती है, तो एनर्जी हाई है। यूवी विजिबल बेचारा केवल इतना ही कर पाता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिशन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन कर सकता है, उसके अलावा उसकी और कोई औकात नहीं है। आईआर जो है वो केवल वाइब्रेट कर पाते हैं, माइक्रोवेव रोटेट कर देते हैं, माइक्रोवेव क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं, और रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम होती है, वो केवल स्पिन न्यूक्लियाई के किसी भी एटम के न्यूक्लियाई के स्पिन को चेंज करते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो रेडियो वेव एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, रेडियो वेव, रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए कौन है, माइक्रोवेव, वाइब्रेशंस के लिए हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल है आईआर, और ट्रांजिशन के लिए, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यूवी विजिबल, यूवी स्पेक्ट्रम। और तोड़ने की बात करनी है तो आपके एक्सरे और गामा रे काम करेंगे, ठीक है, आपको शायद समझ में आया होगा, शायद आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, प्लीज थोड़ा इसे नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा इंट्रोडक्शनल पार्ट था स्पेक्ट्रोस्कोपी का,
आपको शायद अच्छा लगे, ठीक है। आइए अब हम इसके बाद थोड़ी आगे बात करते हैं कि फोटोन के बारे में अब इन सबसे क्या रिलेशंस रखना है, क्या क्या स्टडी करनी है सारी पैरामीटर्स को लेकर। चलिए तो ये क्वेश्चन हो सकता है भाई, फोटोकेमिस्ट्री के लिए हम किसको लेंगे, हमेशा यूवी विजिबल लेंगे, रेंज क्या होती है, ठीक है, 8000 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर में क्या होती है वो मैंने लिख दी है, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। चलिए आइए उस ट्रांजिशन का खेला समझते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, अभी होता क्या है। मैं क्लियर कर दूं, आपकी फोटोकेमिस्ट्री में, आपकी जो फोटोन केमिस्ट्री के अंदर आपकी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो फोटॉन्स की प्रेजेंटेशन में होती है, या आप कह दें यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंटेशन से होती हैं। आपके ये जो रिएक्टेंट होते हैं वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, समझ रहे हैं आप। प्लीज फोटोकेमिस्ट्री में क्या होता है, आपके ये जो रिएक्टेंट होते हैं वो केवल यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब होकर एक्टिवेट मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिससे आपको एक प्रोडक्ट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, जिससे आपको एक प्रोडक्ट मिल जाता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट यूवी रेडिएशन के एब्जॉर्ब करने पर डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। आइए जरा समझ लीजिएगा पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखिए मान लीजिएगा यहां पे होना क्या है, जनरली रिएक्शंस की तरह ही काम होता है यहां पे भी, आप समझने का प्लीज प्रयास करिए कि कोई भी एक रिएक्शंस हो रही है तो जनरली एक नॉर्मल रिएक्शंस की तरह ही काम होता है यहां पे भी, यहां पे कोई थोड़ा स्पेशल काम बस क्या होता है कि ये सारी की सारी रिएक्शन, ठीक है, ये सारी की सारी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंटेशन में होंगी, फोटोन की प्रेजेंटेशन में होंगी, यूवी रेडिएशन की प्रेजेंटेशन में होंगी, ठीक है, इसलिए थोड़ा स्पेशल काम हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं फोटो रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे। चलिए अब होता क्या है, मैं आपको समझा दूं इस पूरे सिस्टम में, ठीक है। मान लीजिएगा कोई मटेरियल आपके पास है या कोई भी एक सब्सटेंस आपके पास है, ठीक है, आप फोटोकेमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री के अंदर, उन सबका काम क्या है सर, वो यूवी विजुअल से, यूवी विजुअल से क्या करेंगे, फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे, आप ये कह सकते हैं सर ईएमआर को एब्जॉर्ब करेंगे, ईएमआर को एब्जॉर्ब करके वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करते हैं, उसके अलावा उनकी और कोई हिम्मत नहीं काम करने की, और क्या करते हैं आपके उस सिस्टम को, आपके उस इलेक्ट्रॉन को लाइट अब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति कभी हवाई प्लेन में नहीं घूमा हो और उसको बैठने के लिए बोल दिया जाए तो वो तो बैठ जाएगा तुरंत, ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी तो प्लेन में रहेगा नहीं, बिल्कुल इसी की भी यही हालत है कि लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में तो चला जाता है, लेकिन यहाँ का जो टाइम ड्यूरेशन होता है बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन होता है, 10^-7 से लेकर 10^-8 के बिटवीन होता है, यहाँ का जो टाइम ड्यूरेशन होता है बहुत छोटा टाइम ड्यूरेशन होता है, बहुत लिटिल ड्यूरेशन होता है, और वो यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रह पाता, उसने जो भी लाइट एब्जॉर्ब कर दी है, जो भी लाइट या रेडिएशन उसने यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है आपके मटेरियल ने, वो उसको रिलीज करके, प्लीज समझिएगा, इसको रिलीज करके वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, क्योंकि वो ज्यादा देर रुक ही नहीं सकता, वह वापस अपनी स्टेट में आ जाता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं फ्लोरोसेंस। क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस कहते हैं, प्लीज पढ़िएगा व्हाट इज द फ्लोरोसेंस, पूछ लेगा आपसे कोई भी व्हाट इज द फ्लोरोसेंस, अब हिंदी में क्या बोलते हैं थोड़ा प्लीज देख लीजिएगा, फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस का प्रोसेस बता दिया कि कोई भी सब्सटेंस एटम मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, वहां का ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है, जब वो उस लाइट को रिलीज करता है, जो ली थी उसने लाइट उसको रिलीज करके वापस लौटता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं फ्लोरोसेंस। क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस कहते हैं। प्लीज आप फिर वापस सुनिएगा, ठीक है, फिर वापस सुनिएगा, आपके किसी मटेरियल ने कोई भी एक लाइट एब्जॉर्ब की, सबको पता है क्या होना है सर, वो हवाई जहाज में उड़ेगा, तुरंत ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा सर, और सबको पता है वहां पे वो ज्यादा देर तो रुकेगा नहीं बेचारा, वापस लौट आएगा, वापस अपनी जिस लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया था वापस लौट आएगा, और लौट आएगा तो हमने कहा था फ्लोरोसेंस होगा, लेकिन आप जो लाइट दे रहे हैं अगर उस लाइट का सोर्स खत्म कर दें
आप जो लाइट दे रहे हैं उस लाइट का सोर्स खत्म कर दें, तो आपका ये जो सबस्टांस है फिर भी काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक, काफ़ी टाइम ड्यूरेशन तक रेडिएशंस लाइट को रिलीज करता रहता है, ठीक है, रेडिएट करता रहता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोरेंस। क्या कहते हैं? फॉस्फोरेंस। क्लियर हो गया? फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेंस प्लीज पढ़िए, दोनों इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री रिएक्शन के। फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेंस जब वो लौटते हैं फिर भी रेडिएशन होता रहता है, चाहे आप जो लाइट एब्जॉर्ब की थी उसका सोर्स खत्म कर दीजिए, फिर भी आपका रेडिएशन होता रहता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। आइए मैं जरा इसमें एक चीज और आपको क्लियर कर दूं थोड़ा सा। देखिए, सबको पता है कि अगर कोई भी मेटेरियल, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और लाइट कौन सी? एचबी लाइट, ठीक है, ईएमआर होता है, तो सबको पता है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। सबको पता है ये बात, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। लेकिन जब वो लौटता है उस समय, अगर मान लो कोई दूसरा एक सबस्टांस उसके पास है या उसके पास रहता है, वो थोड़ी सी एनर्जी, या तो थोड़ी सी एनर्जी उसको दे दे, या तो लौटते समय थोड़ी सी एनर्जी उसको दे दे, या सारी की सारी एनर्जी उसको दे दे, तो एक एक्टिवेटेड रेडिकल बनाता है। इसी रेडिकल को हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। इसी को हम लोग एक्टिवेटेड रेडिकल या फ्री रेडिकल्स कहते हैं। आप समझ चुके हैं, जब भी कोई भी सबस्टांस, एटम, मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, उसी जब वो लौटते समय अगर वही अपनी जो लाइट को रिलीज कर रहा है, अगर वो किसी दूसरे एटम को दे दे या सारी की सारी दे दे, तो एक नया एक्टिवेटेड रेडिकल्स तैयार होता है, उसी को फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और यही फ्री रेडिकल्स, यही एक्टिवेट रेडिकल्स आपके फोटोकेमिकल के रिएक्शंस को प्रोसेस करते हैं, यही फोटोकेमिकल रिएक्शंस को आपको रन करते हैं, चलाते हैं, और बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस करवाते हैं। फोटोकेमिस्ट्री के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हुआ करता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है आपके पास, हाइड्रोलाइसिस है, लाइट की प्रेजेंटेशन में होते हैं बहुत सारे हाइड्रोलाइसिस, डिकम्पोजिशन है, डबल डिकम्पोजिशन है, कॉम्बिनेशन है, एडिशनल रिएक्शंस हैं आपके, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस है, आप देखा है सन की प्रेजेंटेशन में होती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, सन ना होता तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस नहीं हो पाती, और वो सब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स या एक्टिवेटेड फ्री रेडिकल्स बनने की वजह से होती हैं, ठीक है। ओके, मैं एक दो फोटोकेमिकल रिएक्शंस का एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे कि H2+Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट लिख दीजिएगा, या सनलाइट एचवी फोटोन लिख दीजिएगा, HCl का जो फॉर्मेशन है ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा आपका। और भी मैं लिख देता हूँ, 2HBr लाइट की प्रेजेंटेशन में डिकम्पोज होकर आपको मिलेगा H2+Br2, ये भी आपका एक फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ऑक्सीडेशन के, डिकम्पोजिशन के, हाइड्रोलाइसिस के, आप बुक्स में से देख सकते हैं, क्योंकि और भी कुछ बताना है, थोड़ा समय का अभाव है, मैं तो और भी एग्जाम्पल्स लिख सकता था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंट्रोडक्शन पार्ट था फोटोकेमिस्ट्री का। अगर टॉपिक अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।